चोर, तेरा इतना साहस मेरी आंखों के सामने तूने मक्खन चुराया। कान्हा, कहीं जानकी और सावित्री सत्य तो ना कह रही थी? नाना मैया जी, मैंने ना चुराया है, वो आया था। मूर्ख समझती है मुझे? तेरे मुख पे लगा माखन सारी कथा कह रही हो है। आपको धोखा हो रहा है मैया, मेरे मुख पर माखन अवश्य लगो है, पर जे मैंने ना खायो, वो आया था। बस कर, सब पतो है मुझे, सुबह से ही दृष्टि थी तेरी इस माखन पे। मैं सत्य कह रही हूँ मैया, मेरा विश्वास कीजिए, वो आया था और उसी ने माखन खायो है। वो आया था रे, कौन आया था? कान्हा, 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 देखो मैं क्या लायू। इसके लिए पकड़े जाने का संकट क्यों उठाया तुमने? तू ही तो कहते है कि लोग कभी ना करना चाहिए। अरे ये बेरिल थोड़ी ना है, ये हमारी टोली के लिए, हमारे सदस्य के लिए है। काहे वो मानन मराज, धन्यवाद मानन मराज, अवश्य घर छोड़ के आए होंगे इसे। अब आप ये दो और ये लो। ये तो बहुत बुद्धिमान वानर है। बाल बराबर बज गया तो तनी कौन भी ने बुझा था तो बहुत कुटाई हो जाती। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। सुलक्षणा चाची स्त्रियों की टोली बनाकर उस व्यापारी को अपना वचन देने निकल चुकी हैं। मैंने कहा था ना, सूर्यास्त होने से पहले आएंगे, सब आएंगे। क्या होगा वो तुम सबको? हाँ, कोई भी कछु समझने को तैयार ही ना है। वहां वो सुलक्षणा से सभी के साथ उस व्यापारी को वचन देने जा रही है, और यहाँ तुम दोनों मेरे लल्ला पर, गोकुल के राजकुमार पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हो। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। क्या हुआ प्रभु, किस सोच में डूब गए आप? कुछ कीजिए ना। मुझे अच्छी तरह स्मरण है भैया, आपको मेरे हाथ की बनी खीर बहुत प्रिय लगती थी। आशा है कि आपको इसका स्वाद अभी भी स्मरण होगा। लो भैया, जी भर के खाओ। ऐसी मिठास तो ना गुड़ ने सीखी है ना मधु को पता है। अद्भुत अद्भुत देव की अद्भुत, तेरी इस खीर के लिए तो पूरे विश्व से युद्ध कर सकता है कंस। वहां क्यों खड़ी है? वाह खिला बहन। चिंता की आवश्यकता नहीं है भैया, मैंने कोई विष नहीं मिलाया। नहीं, खिला। आह, उत्तम, अति उत्तम। वैसे इतना प्रेम अपने इस दुष्ट भाई पर कैसे? क्या हुआ देवकी, तू भयभीत तो नहीं हो गई कंस से, या इस असहाय चूहे की दशा देखकर तुझे ये आभास तो नहीं हो गया कि अब कंस से बचना असंभव है? उस विष्णु अवतार का भी और उसके भक्तों का भी। जो असंभव को संभव और संभव को असंभव बना दे, वही तो है नारायण की लीला भैया। अरे देवकी,
तेरा नारायण केवल कुछ असुरों की हत्या कर सकता है, उस असुर का क्या बिगाड़ेगा जो विकार बनकर उसी के भक्तों को भीतर से जकड़ ले। जो भक्त श्री नारायण की भक्ति में जकड़े हुए हैं, उन्हें नारायण इतनी सरलता से किसी विकार में नहीं पड़ने देंगे और ना ही उन्हें निराश होने देंगे। मुरली की धुन, सुमति सुना तुमने? हाँ, कितना मनमोहक है जी। कान्हा, कैसी धुन है ये? कहाँ जा रहे हैं ये सब? तो केवल माध्यम था भैया, सत्य तो ये है कि मैं केवल आपको इतना बताने आई थी कि श्री नारायण अपने भक्तों को किसी ना किसी तरह सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। नारायण उन्हें लोक तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, कभी नहीं। नारायण उन्हें लोक तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। कैसी लगी मेरी मुरली की धुन? अच्छी थी ना? आनंद आयो? सच्ची में कान्हा, बहुत आनंद आयो। मुरली बजाना कहाँ से सीखा तूने? सच्ची, तन मन पूरी तरह प्रफुल्लित होगो, है चाची? जैसे सब कुछ मिल गया। तो फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास, सुख स्वाद समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? मेरा नन्हा सा कान्हा, इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं।
अब जिस धन को पाने के लिए इतने आतुर वो आज मिलेगा तो सही, पर कल व्यय भी तो हो जाएगा। और यदि किसी ने बहुत प्रयत्न करके ढेर सारा धन एकत्रित भी कर लिया तो जीवन के बाद वो उसे अपने साथ थोड़े ही ले जाएगा। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियों की सारी संपदा, यहाँ तक कि उनका तन भी समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है। आशीष पति आत्मा वो तो परमात्मा के चरणों में चली जाती है। मैया भी यही है, स्वयं पे नियंत्रण पाना पड़ेगा। ये सब मेरे बाबा समझाते हैं। मैं तो समझ गया, अब आप सब भी समझ जाओ ना। तो ना तो क्या कहना? ना तो लोक का राक्षस जकड़ लेगो। सब छटक लूंगा। मैंने सही कहा ना बाबा? बात तो सही कह रहे हो जी। बस अब ये उस मार्ग पर चले जो प्रभु ने इन्हें दिखायो है, संतुष्टि का मार्ग। ठहरो। तो तेरे कहने का अर्थ ये है कि तेरा नारायण अपने भक्तों को मार्ग दिखाएगा और वो गोकुलवासी मेरे षड्यंत्र से बच जाएंगे। तेरा नारायण चाहे कितने भी मार्ग दिखा दे, किंतु जब व्यक्ति के भीतर लोभ बस जाए उसे तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता। व्यापारी जी सब वापस लौट कर आ रहे हैं। व्यापारी जी ये रुक क्यों नहीं रही हैं? ये सीधी ही चली जा रही हैं। सब झटक लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं अपनी चाल अंत में चलूंगा। सिक्कों से भरे मटके यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है लक्ष्मी जी स्वयं आपके पास आना चाहती हैं। सब तो है आपके पास, सुख स्वाद समृद्धि फिर संतुष्टि क्यों ना है? ऐसे मटकों में छुपाकर क्यों रखा है इन सिक्कों को? अरे पोटली में बांधिए, गोकुलवासियों को देना है कि नहीं? जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, ये लो। अवसर का लाभ उठाने को लोभ ना कहते, पर अवसर यदि हाथ आए और हम उसे गवा दे इसे मूर्खता अवश्य कहते हैं। गोकुलवासी आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं यहाँ से।
गोकुलवासी मूर्ख थोड़ी ना है श्रीमान। ये लक्ष्मी घर पर आ रही है और वे द्वार कवाक्ष बंद करके घर में ही दुबक के बैठ जाए और लक्ष्मी से कह दे कि आप नहीं आई है। ये अच्छी तरह जानते हैं श्रीमान के धन इनका जीवन बदल सकता है। पुरुषों को सुख शांति ऐश्वर्य सब प्राप्त हो सकता है और महिलाओं को मिल सकते हैं नए नए वस्त्र, तरह तरह के आभूषण, जो चाहे वो। व्यापारी जी सही कह रहे हैं। इनके साथ व्यापार करने में बुराई क्या है? एक छोटी सी बात समझ में ना रही आपके? अगर किसी को आपके साथ व्यापार करना होता तो अभी तक यहाँ आ चुके हो। तो श्रीमान आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अच्छा होगा कि आप शीघ्र यहाँ से चले जाए। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ श्रीमान, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जीवन का सुख धन से होता है और मैं वही बांटने यहाँ आया हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ के समृद्ध राज दरबार के लोग आम गोकुलवासी को समृद्ध होने देना ही नहीं चाहते। देखिए देवको, सारे सिक्के समेट लो, चलो। यहाँ किसी को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए ही नहीं। उठाओ। नाना व्यापारी जी, हम आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हाँ, हम भी तैयार हैं। सुलक्षणा? हाँ हाँ व्यापारी जी, हम दोनों भी तैयार हैं। हम सबको आपके साथ व्यापार स्वीकार है। देखिए ऐसा मत कीजिए, आप इस दूध की बातों में मत आइए, इसका जाल है। जाल ना, ये अवसर है। लाओ व्यापारी जी अग्रिम धनराशि। इतनी आसानी से नहीं देवी जी, आप सब लोग अपना निर्णय बार बार बदल रहे हो। मेरी सिक्कों की पोटली लेने के बाद अगर आपने अपना निर्णय बदल लिया तो? ना ना, हमारा निर्णय अब अटल है व्यापारी जी, अब ना बदले गोजे। मैं कैसे मान लूं? कहीं जी हमारे साथ व्यापार करने से मना ना कर दे, कछु भी करके इन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगो। हमने एक बार कह दिया तो अब हम पीछे ना हटेंगे व्यापारी जी, आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार है। तो फिर लीजिए अपने आराध्य श्री नारायण के नाम की शपथ। आज से जितना भी दूध दही घी माखन आपके यहाँ उत्पन्न होगा वो आप सिर्फ मुझे और केवल मुझे ही देंगे। नहीं सुलक्षणा, मैं श्री नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध दही माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। गांव वालों को समझाने के चक्कर में बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। पापा सहायता करो ना, लगता है मैया को संदेह हो गयो है। मैं ना चाहतो मेरा सत्य सामने आए। बाबा यशोदा क्या होगा? क्या होगा देखो ना, आपने कैसी मधुर मुरली बजाई है हमारे कान्हा ने। अच्छा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये कोई सामान्य बात है? पापा संभालो। सामान्य बात ही तो है यशोदा। जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा के जैसे ज्ञान की बातें करना, ये सामान्य लग रहा है आपको? अब बालक जो देख तो सुन तो है वही तो कर तो है। अब हमें कितनी बार बातें करते सुनो है, हमने कितनी बार इसको शिक्षा दी है और अब तो यशोदा जे बाहर भी जाने लगो है,
कितने नए नए व्यक्तियों से मिलते होगो, नई नई बातें सीखते होगो, है कि ना? सही कही थी जी आपने, बालकों का विकास घर पे बैठने से ना हो सकता। जी देखो आज घर से बाहर निकलते ही कैसे सयाना हो गया मेरा लल्ला। इन सब की तो मति ही मारी गई है जो मेरे इतने समझदार लल्ला को माखन चोर बनाने पे तुली हुई है सबकी सब। क्यों रे इतनी शीघ्र इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगो तू? बड़ा भी तो हो रहा हूँ मैया। बहुत बड़ा हो गया है ना तू। अब चल घर चल के मुझे बता और क्या क्या सीखा है तूने। तू तो बच्चों का ना, पर इन गांव वालों का क्या होगा? मेरा कार्य मार्च दिखाना था बाबा, अब वो कौन सा मार्च चुनेंगे ये तो उन्हीं पर निर्भर है। पहले आपने समझाओ फिर मैंने समझाओ, अब तो कान्हा ने भी प्रवचन दे दियो, आशा है अब उनके समझ में आ जाएगी। किसी को कछु समझ में ना आए बहू, उस दूर के सिक्कों की खनक ने सबको अंधा और बहरा बना दिया। सबने श्री नारायण के नाम का प्रण लेकर उसे वचन दे दियो, अब से अपना सारा दूध दही माखन सब कुछ केवल और केवल उस व्यापारी को ही देंगे। जिन्हें मैया भी नहीं समझा पाई उन्हें तो नारायण भी नहीं समझा सकते हैं। जिस प्रकार से उस धूर्त ने सबसे वचन लियो है, मुझे विश्वास हो गयो है कि कछु न कछु गड़बड़ अवश्य है। नंद अब तो प्रभु नारायण ही जाने क्या होगा। जब उन्होंने ये मार्ग चुन ही लियो है तो उन्हें इस पर चलनो भी हो, फिर चाहे उन्हें धन मिले या दुख। तो क्या अब आप गोकुलवासियों का साथ ना देंगे? ए देवकी, यदि भक्ति का स्थान लोभ ले ले तो क्या करेंगे श्री नारायण? उत्तर दे प्रिय बहना, उत्तर दे। वो आपकी तरह नहीं है भैया, पथरीले मार्ग पर यदि कोई भक्त फिसल कर गिर जाए तो भी नारायण उससे मुंह नहीं मोड़ते, वो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं, वो स्वयं झुक कर उसे उठाते हैं, फिर से पथरीले मार्ग पर चलने के योग्य बनाते हैं। यशोदा, संतान यदि भूल करे तो क्या उसकी मैया उसका साथ छोड़ देती? जब भक्त भूल करते है तो क्या नारायण उसका साथ छोड़ देते? तो फिर मैं भी अपनी प्रजा का साथ ना छोड़ सकता, ये मेरा दायित्व है। मुझसे जो संभव होगा मैं उनके लिए वो सब करूंगा। बाबा, जब कोई भक्त भूल करे तो भी भगवान उनका साथ नहीं छोड़ सकते। मैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। सत्य तो ये है, नारायण उन्हें लोभ तो क्या, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। काल मेरे निकट से चला गया महाराज, नहीं तो ये तन मेरे ही प्राणों को आज झटक देता। तो अगली बार काल को मैं आदेश दूंगा ऐसी भूल ना करे, और जो सूचना तुम लेकर आए हो यदि वो अप्रिय लगी। परंतु महाराज मैं तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ, गोकुल के सारे ग्वालों और ग्वालिनों ने ये प्रण लिया है कि कल से वो सारा दूध दही मक्खन मुझे, केवल मुझे ही देंगे। अर्थात जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी वो शुभ दिन,
कल आएगा। कल से आरंभ होंगे गोकुल के दुर्दिन और बहुत शीघ्र वो विष्णु अवतार मेरे चरणों पे पड़ा गिड़गिड़ाएगा, अपनी असही स्थिति पर आंसू बहाता हुआ अपने जीवन की भिक्षा मांगेगा। सब झटक लूंगा। आंखें खोल कर आना और कितनी देर ध्यान में बैठे रहेगू। सुबल, जब कोई गहरे चिंतन में हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालते। चिंता? कैसी चिंता? बलराम, मुझे बता, जाने कितने जनों की चिंता दूर कर चुका हूँ मैं। बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे पास ही तो आते हैं सहायता लेने। बाद में बोलना बड़ बोले, अभी काना को चिंता करने दे। चिंता ना श्रीदामा, चिंतन। वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? तब तो है आपके पास सुख स्वास्थ्य समृद्धि से संतुष्टि क्यों ना है? यशोदा, ये चूरमा हमें दोपहर की आरती से पहले बनाना है और बालकों को स्नान भी तो करवाना है, और तुम न जाने कौन से विचारों में खोई हुई हो। यही सोच रही थी जिजी कि बालक कितने शीघ्र बड़े हो जाते हैं ना। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल को बड़ा काम भी करेगो, नाम होगो, प्रसिद्धि मिलेगी, दसों दिशाओं में डंका गूंजेगा। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छी बात तो है, पर बड़ा होके संसार के चक्करों में फंस के कहीं अपनी मैया को ही ना भूल जाए। ये तो संभव ही नहीं है। चलो करो जल्दी। बड़ा लंबा चिंतन था तेरा, कोई गंभीर समस्या आ गए हो क्या? हाँ, माखन की समस्या पतो है। कटौती भी बहुत बढ़ गई है काना, अब तो चखने को भी ना मिलता माखन। सारा का सारा उस व्यापारी के पास चला जाएगा आज दोपहर को। ना जाएगो? कैसे? हमें सही समय में सही स्थान पे पहुंचना होगो। दस सिक्के दियो है उसने, 5 मटकी माखन देकर आज ही हिसाब बराबर कर लूंगी ताकि कल और धन अर्जित कर सकूं। यशोदा भाभी, नंद भैया, यहाँ तक कि काना ने भी हमें मना किया था, लेकिन फिर भी परमानंद जी के साथ व्यापार करके कछु अनुचित तो ना कर दिया ना हमने? अनुचित? ना ना, बिल्कुल ना। यदि जे अनुचित होता तो श्री नारायण हमें जे करने ही ना देते, कछु ना कछु उपाय करके रोक लेते। अरे मैंने रोका जो था, रोका था किसको? रोका था काना, सबको रोका था, लोग के जाल में मत ही फंसियो। मैं तो अब भी कह रही हूँ, यदि मैं कोई भूल कर रही हूँ तो श्री नारायण जी आए और मुझे व्यापारी जी को माखन देने से रोक ले। बस इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। किसकी प्रतीक्षा? उचे समय की। देखा कुछ ना क्यों नारायण ने, मैं तो कहती हूँ तू भी समय व्यर्थ मत कर। दोपहर तक का समय दियो है व्यापारी जी ने, शीघ्र घर जा, सारा माखन मटकी में भर और मेरे साथ ही मेरे सकट से ले चल। सारा माखन देना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, जय तो वचन दिया है व्यापारी जी को। सारा माखन व्यापारी को दे दियो तो काना मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आएगो, कछु तो करना होगो। इससे क्या होगो? क्या बोल रहा है काना, ठीक से बताना, किसका यह जाना है, कब जाना है? सूची के अनुसार आज तो बसंता के घर जाना है। नाना, ना काना, तुम सब आगे जाओ, क्या होने वाला है और कब होने वाला है
मेरे आने से पहले सब पता करके रखो। हाँ सुलक्षणा चाची के घर तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। लग तो है इसलिए मालिश करवा के बैठो है काना। हो गयो प्रयात, आप सीकर जाओ, उचित है। तुम सच में सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करने जा रहे हो? कभी प्रेम से कभी क्रोध से पूरी दिन मेरा ही नाम जपती है वो। जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ। मुझे पता है काना, एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम। एक के लिए नहीं दाऊ, दो माखन चोरी के लिए। दूसरी किसके यहाँ? उनके यहाँ। वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे, तू सबके घरों में माखन चोरी करता है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जाता है। चकित क्यों हो रहा है? सब जान गई हूँ मैं, मेरी सखियां ना कभी झूठ ना बोलती। और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी वे? सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे। पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो। ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही काना। संकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पर तू तो ये सब कर ही ना पावेगो, तो मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना काना, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी, इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती। ना तो आप छोटी माँ को बता दोगी? आप क्यों सुझाव दे रहे हो दाऊ? ना बताऊंगी नहीं, सीधा कान पकड़ कर ना जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें। इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना काना। ये रोकने आई थी ये सारा पेट बताकर चोरी का निमंत्रण देने। तो अब आपने स्वयं देख लियो ना, तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊ। वो तुम्हारा दाऊ काना, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ। चलो, बहुत धूप ले लियो, स्नान का समय होगा। आ जाओ दाऊ। ना हो गो कार्य, यदि काना के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज काना यहाँ अवश्य आवेगो। पर जी कान पकड़ के ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि काना सचमुच भयभीत होगो फिर तो आज क्या वो मेरे घर कभी भी ना आवेगो। प्रेम में खेल है कि खेल में प्रेम है, मैया भेद न जाने। माखन चोर लगाए गुहार,
हार पर दाव ना माने। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगा और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगा। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। ये दोनों आज इतने शांत क्यों हैं जीजी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये? मुझे भी बहुत नींद आ रही है ना। बलराम, ये सोने का समय थोड़ी ना है, तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जीजी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की, नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्य और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो तो ये सब करने का अवसर थोड़े ना मिलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल देखो तो इन्हें। और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा, और सदैव रहेगी। जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में भर गो, 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 माखन मटकियों में। काना तो अभी तक आया ही ना। काना तो अभी तक आया ही ना। नारायण, सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि काना ना आयो तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन काना के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। जी, हम दोनों भी बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भूख के लिए चूरमा भी तो बनाना है। भाभी जा काना, भाभी जा काना, अब आ भी जा काना, अब आ भी जा काना।
लो आरती का समय हो गया, चलो एक बार बालकों को देख ले फिर चले। ठीक है। गहरी नींद में सो रहे दोनों। चिची शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ चलो। आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? काना बलराम का रहोगो? ताऊ वो तो सो रहे हैं, पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगो। काना अब तक ना आयो, बच्चों अति की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे। समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी, व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी, लगता है अब ना आवेगो काना। जे तो सच में आ गो, बढ़ा नहीं डरे जे। वाह, सेमी बुलाती हो और सेमी अर्चना करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं। चले ना काना, ना नारायण। बसंता कछु उपाय बताना अपनी मैया को भ्रमित करने का। ना काना, ना मैया तो हमारे बसेरों को भी मन भर के दूध ना पीने देती। तुम सब यहीं रुको।
व्यापारी जी को क्या बेचूंगी मैं? नाना काना, वो वाला मती ले, वो व्यापारी जी को बेचने के लिए रखो है। तेरे लिए छोटी वाली मटकी अलग निकाली तो है मैंने, वो देखना। कस्तूरी ने तो कही थी कि माखन ऊपर ना लटकाती। क्या करूं अब? तेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पार्ट पे पार्ट। श्रम करना पड़ रहा है ऐसे? चाहे कितना भी श्रम क्यों ना कर ले, ये मटकी खुलने वाली ना है। मैया के लगेगा खुलना संभव है? फिर तो एक ही उपाय है, हमें मटकी तोड़ के माखन खाना पड़ेगा। नाना, अभी इतना समय ना है, मैया ने मसलों को पकड़ लिया है, उन्हें कुटियों से बांध रही है। पर इतनी शीघ्र बछड़ों का पेट थोड़ी भरेगा, लगता है आज भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। चिंता मत करियो, हमारा अभी एक सखा पार है, वो संभाल लेगा। अभी बताती हूँ तुझे। अरे मेरा सकट टूट जाएगा सरक। हट। अरे जी क्या कर दियो, अब माखन कैसे लेके जाओगी व्यापारी जी को देने? करना कहीं कहीं से गिर ना पड़े। वैसे पेट भर गो, मन ना भर गो, अभी मेरा तो पेट भर गो। मेरो भी वो मेरा भी, मेरा तो कब का भर गयो। चिंता मत कर सुबल, अभी वो मटकिया शेष है, ले लो तुम भी। हे नारायण, दूसरी मटकी पे इसकी दृष्टि ना पड़ जाए। जिससे बचनो है उसी से रखवाली करा रही हूँ कस्तूरी। लो, ये मटकी भी गई, अब व्यापारी जी को क्या दूंगी मैं? से रोकना ही पड़ेगा, अति हो गई है।
भगवान सामने है, इनके हाथों से निकला हुआ माखन खा रहे, और इन दोनों को देखिए, व्यर्थ के कार्यों में ही व्यस्त है। यही तो है वो माया का जंजाल, जिसे मुक्त करने के लिए प्रभु इन दोनों के साथ ये लीला कर रहे हैं। यदि क्षण भर के लिए ये लोग और अन्य विकारों को भूलकर संपूर्ण मन से प्रभु की भक्ति में रम जाएं, तो इन्हें इनके घरों में स्वयं भगवान की उपस्थिति का अनुभव सहज ही हो जाएगा। बच गए हो तू, पर मेरे यहाँ ना बच पाएगो। कान पकड़कर सीधे जशोदा जी के घर लेके जाओगी और कड़ा से कड़ा दंड दिलवाओगी। हाय, सारा माखन खा गए हो तू, अब व्यापारी जी को क्या बेचूंगी? रो क्यों रही उस लक्ष्मण चाची? अच्छा हुआ ये माखन व्यापारी को ना दियो। अच्छा क्या हुआ? कछु स्वाद ही ना था। आपने तो स्वयं देखो है, वानर महाराज भी ना खा रहा था। एक तो सारा माखन चट गयो और बोल रहे कि स्वाद ना था। बेस्वाद ना कह रही हूँ चाची, पर कछु तो कमी है इसमें। चाहो तो आप स्वयं ही चख के देख लो। ना, कछु कमी ना है, बहुत अच्छा है मेरा माखन। आप मेरे हाथ से एक बार चख के तो देखो। आप मेरे हाथ से एक बार चख के तो देखो। कितना स्वादिष्ट माखन था, पूरा चट कर दियो मैंने। बस थोड़ी ही बचो है, तुम चखोगी? किसकी भलाई कर दे कब किस बहाने, कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस
घर से माखन चुराए, स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। स्वादिष्ट तो है माखन, क्या कमी है इसमें? प्रेम और स्नेह की, पर अपनी आंखों में प्रेम छलका के वो कमी भी पूरी कर दी आपने। क्या कह रहे हो तू? ये माखन में कछु मिलायो है मैंने, लेकिन मैंने तो कछु भी ना मिलायो। मिलायो है ना, अपने हृदय का सारा प्रेम अपनी कान्हा के लिए। अरे रो क्यों रही हो? सारा माखन तो खा लियो और जो शेष है वो भी ले जाऊंगो। दाऊ को भी तो खिला दो है ना, ले जाऊ ना। पूछ क्या रो है, सारा तेरा ही तो है। रुक ले, जे खा काना, इसने वाले में कछु कमी ना लगेगी तुझे। प्रेम से तो कभी मुझे ना खिलायो है मैया ने। हाँ अब बढ़िया लग रहा है चाची, थोड़ा सा दाऊ के लिए भी ले लूं। हाँ हाँ अभी लाई। अब मैं जाऊं? रुको कान्हा। अब जा। अभी तो यही तो कागो। खा लियो और जो शेष है वो भी ले जाऊंगो। मैंने सोचा था कान्हा आवेगो, थोड़ा सा माखन खावेगो और चला जावेगो। इसने तो सारा माखन ही समाप्त कर दियो है। जे कोई छोटी बात ना है, जे सरासर चोरी है। यशोदा भाभी को कछु ना कछु तो करना ही पड़ेगो। इतनी तोड़फोड़, इतनी हानि, जे कोई साधारण शरारत ना है। जशोदा जी को जिसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जशोदा जी, सुलक्षणा, जे बरसाती नदी के जैसे उफानते हुए क्यों चली आ रही हो? बरसाती नदी तो सुनो फिर, जैसे नदी में घात लगाकर बगुला भगत खड़ा होता है ना, वैसे ही आया था आपका लल्ला मेरे घर और सारा का सारा माखन समाप्त करके चला गया।
पास, और तो और बछड़े तो कभी खुला छोड़ दियो नटखट ने। अब अपना वचन कैसे पूरा करूंगी मैं? सुलक्षणा, जे क्या कर रही हो? जे बीच मार्ग पर, मार्ग पर ही तो आ गई हूँ मैं। मुझे यही सबके सामने उत्तर चाहिए जशोदा जी। बताओ, अभी बताओ, ये चोरी और मेरी जो इतनी हानि हुई है उसके बारे में क्या करोगी आप? बोलो। सुलक्षणा, सुलक्षणा देखो, हम पता लगा लेंगे, जो भी आवश्यक होगा वो सब कुछ करेंगे। हाँ, किंतु पहले तुम भीतर चलकर शांति से बैठो और हमें बताओ तो सही क्या हुआ है। भाभी, यशोदा भाभी, बहुत ही अनुचित हुआ है मेरे साथ। अब इससे क्या होगा? आज तो सारी सीमा पार कर दी है कान्हा ने। क्यों, तेरे घर भी माखन खाने आया था वो? हाँ, आपको कैसे पता? चल ना भीतर चल, चल अपनी सारी गाथा सुना दे वहाँ। आजा। ये दोनों एक साथ आ गई, अब इस माखन का क्या करें? अब बताओ क्या समस्या है तुम दोनों की? आपके लल्ला ने मेरा माखन चुरायो है। पूरा पारंगत है चोरी में। और ये माखन तो ऐसे चुराते है जैसे माखन चुराना कोई कला हो कला। अच्छा, कैसे? माखन की पूरी पांच पांच मटकियां चट कर गो। और मेरे घर दो दो मटकियां। इतने वर्षों से तो मैंने अपने लल्ला को भूखा रखो है ना, उसे तो मैं माखन देती ना हूँ। ये जो इतना सारा माखन इकट्ठा करके रखो है, ये तो मेरे लिए है। सुलक्षणा, कस्तूरी, कान्हा को यदि माखन खाना होता तो अपने घर में खाता ना, तुम्हारे यहाँ क्यों जाता भला? अच्छा जे बताओ, वो तुम दोनों के यहाँ आया कब था? मंदिर की भोग आरती के समय। कान्हा तो तेरे यहाँ था ना कस्तूरी, तो सुलक्षणा के यहाँ कौन था? और यदि वो तेरे यहाँ था सुलक्षणा, तो फिर तेरे यहाँ कौन था? जशोदा जी, बहुत अच्छी तरह से स्मरण है मुझे, जब मंदिर में भोग आरती चल रही थी और उसी समय ना, मुझे अच्छे से स्मरण है, जैसे ही मंदिर की आरती आरंभ हुई थी ना, कान्हा ने मेरे घर में प्रवेश किया था। लाली, तू मुझे असत्य सिद्ध करने का प्रयास मत ही कर, मेरे घर आया था कान्हा। क्या करे, कहाँ रखी है माखन? इसके साथ पकड़े गए तो फंस जाएंगे। चाची, आप झूठ क्यों बोल रही है? कान्हा मेरे यहाँ आया था। झूठ तू बोल रही है, मैं अंधी ना हूँ। चाची असत्य ना बोलो। कान्हा मेरे घर आया था। तेरे घर आया था? नहीं, मेरे घर आया था। कहीं तुम मेरे घर आया था? आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है चाची। बस, कान्हा किसी के घर ना गया था क्योंकि वो यही है अपने दाऊ के साथ। देख लो, आओ। स्वयं देख ले। जब मंदिर की घंटी बजी थी ना, तो हम दोनों इनके साथ ही थे, और जब आरती की घंटी बजी ना, तब हम द्वार बंद करके चली गई। क्यों जीजी? हाँ, और तब भी ये दोनों यहाँ सो रहे थे।
सोते हुए कान्हा कितना निर्दोष लग रहा है। हाँ, दृष्टि ना हट रही। पहले आरोप लगा रही थी, अब दृष्टि लगा रही हूँ। पर ये तो सच्ची में घर है। अब नींद भी तोड़ोगी क्या? हाँ नहीं को? बाल बच गए। पर मैं कैसे मान लूं जशोदा जी, मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और मैंने केवल आंखों से ही नहीं, अपनी पांचों इंद्रियों से कान्हा का अनुभव किया है। मेरा विश्वास करो आप दोनों। हाँ हाँ, मेरा कान्हा तो साक्षात नारायण है ना, यत्र तत्र सर्वत्र। तभी तो वो यहाँ भी था, तेरे यहाँ भी था, और सुलक्षणा जी आपके यहाँ भी था। पर ना ना, ऐसा करो, दो चार और गोपियों को बुला लो तुम दोनों, हाँ, उनसे भी कहलवा दो कि एक ही समय में कान्हा उनके यहाँ भी था। माखन तुम दोनों के मुंह पे लगो है और माखन चोर मेरे लल्ला को बुला रही हो दोनों। ना ना जशोदा जी, जे माखन तो कान्हा नहीं खिलाए हो मुझे। हाँ, मुझे भी कान्हा ने स्वयं अपनी हाथों से खिलाया था, सच्ची। क्या हुआ, कैसे हो, ये सब मैं ना जानती जशोदा जी। बाहर इतना कोलाहल क्यों हो रहा है, जैसे सुलक्षणा चाची और कस्तूरी झगड़ा कर रही है। ये क्या है? माखन है दाऊ। पर ये आया कहाँ से? ये वाला कस्तूरी के घर से और ये वाला सुलक्षणा चाची के घर से। तुम उन दोनों के घर हो भी आए? कोई इतने प्रेम से बुलाए तो जानो तो चाहिए ना दाऊ। बस इतना जानती हूँ कि आपके कान्हा ने मेरा सारा माखन समाप्त कर दियो। पर बाहर का खुलाहल तो कुछ और ही कथा कर रहा है। आप फ्रेम चक्के देख लो, स्वाद से ही पता चल जाएगा कि इसमें कितना प्रेम है। चुरा के ना लाए हो दाऊ, मुझ खिलाए हो। विश्वास करो। विश्वास करो जशोदा जी, स्वयं कान्हा ने मेरा माखन खायो और बलराम के लिए भी लेके गो। हाँ, जही तो मुझसे भी कहा था उसने कि दाऊ को खिलाना है, ले जाऊं। अधिक सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। लो ना दाऊ। अच्छा, तो तुम दोनों कहना चाह रही हो कि माखन चुराने के बाद उसने बलराम के लिए भी मांगो? हाँ, अपने हाथ से तुम दोनों को माखन भी खिलाओ और फिर तुमने उसे जाने भी दियो। हाँ, वही तो जशोदा जी, वो पूछ तो इतने प्रेम से है कि मना ही नहीं करा जा तो। हाँ हाँ, और ये बात मैया को समझाते समझाते पूरा दिन और पूरी रात गयो। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया जशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। आज तो सभी आ गए यहाँ। ना दाऊ, सभी ना आए अभी। जानकी छोटी है अभी, जे सोच के मैंने बात को जाने दी तो उसका लाभ उठाओ सावित्री ने। फिर भी मैंने कछु ना कही तो अब तुम सबका साहस इतना बढ़ गया है कि तुम सब आपस में मिल गई। क्या लगता है तुम सबको कि तुम सब मिलकर मेरे फूल से निर्दोष बालक पर आरोप लगाओगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? हाँ, पर आरोप कौन लगा रहा है जशोदा? कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है। कान्हा ने सच्ची में माखन चोरी की है, तो सिद्ध करो ना। अब किसी ने कान्हा के लिए एक शब्द भी कही ना तो या तो साक्ष्य लेकर आओ या उसे रंगे हाथ पकड़ के लाओ। पर जशोदा जी, अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगा जो साक्ष्य लेकर आए।
ना तो अपने आरोप को वापस लो और अपनी भूल स्वीकार करो। अब किसी की एक भी ना सुनूंगी मैं। हाँ नहीं तो काना अति हो गई है, अब बंद करो ये माखन चोरी का खेल। गोपिया अब साथ नहीं बैठेगी, सब मिलकर कोई ना कोई योजना अवश्य बनाएगी तुम्हारे विरुद्ध। देखो देखो क्या दशा की है। मेरे घर का दृश्य भी कछु भिन्ना है, पूरे घर में माखन बिखरा पड़ो है। ऐसे ही चोरी होती रही तो हम परमानंद जी के साथ व्यापार कैसे करेंगे और धनवान कैसे बनेंगे। पर समस्या तो ये है कि हमारी बात मानने को यशोदा जी तैयार ही ना है। अब उनके लिए साक्ष कहाँ से लाए हम और कैसे? हमें काना को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। जितना आसान लग रहे हो है उतना आसान ना है उसे पकड़ना। जैसे ही मेरे हाथों ने उसके पाँव को छुआ था अचानक ही जाने कहाँ खो गई थी मैं। उसके बाद क्या हो मुझे कछु पतो ही ना चला। ऐसो है वो कन्हैया। अरे बावली नन्ना सा बालक है वो, कोई सिद्ध चमत्कारी साधु महात्मा थोड़ी है। साधु महात्मा को तो पता ना मौसी, पर चमत्कारी अवश्य है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चिंता मत करो मौसी, दो गुनों से भी अधिक मिलेगो। भूखे की भूख मिटाने का पुण्य प्राप्त किया है आपने। मधु से भी अधिक मीठी बातों के चमत्कार से बहका दिया था मुझे भी उस माधव ने। मेरा अनुभव भी इन सबसे समान ही है मैया। उसके छूते ही सारी सुध-बुध भूल गई थी मैं। जाने क्यों अपने ही हाथों से सारा माखन दे दिया था मैंने उस नंद किशोर को। वैसे ये तो सच है कि उसकी मुरली की धुन के सम्मोहन में मैं भी खींची चली गई थी उसके पास। पर तुम सब जो कह रही हो उस पे तो मुझे भी विश्वास ना है, तो जशोदा को कैसे होगो? पर मौसी सत्य तो ये है कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अपने हाथों से माखन खिलाकर मेरा मन भी मोह लिया था उस मनमोहन ने। वैसे माखन खिलाकर मेरा मन भी हर लिया था उसने। ऐसा मनोहर है वो, है वो। तो इन सबके घर गो है वो, बस मेरे यहाँ ही ना आयो। सबके सब किसी एक स्थान पर इकट्ठे हो गए होंगी। हाँ सही कह रहे हो दाऊ, अब गहरा सोच विचार कर रही होंगी। हाँ सही कह रहे हो दाऊ। माखन भले ही चुराते हुए पर चुराते हुए कितना प्यारा लगता है ना। हाँ। ऐसे तो पकड़ लियो इन्होंने उस माखन चोर को। एक ही उद्देश्य होगा उन सबका कि तुम्हारे विरुद्ध ढेर सारे साक्ष्य कैसे इकट्ठे करें। अभी तो ढेर सारे प्रेम भरे नाम इकट्ठे किए उन्होंने मेरे लिए। कन्हैया नंद किशोर माधव मनमोहक और मनोहर ये सब कौन है? ये मेरे नाम है दाऊ, गोपियों ने दी है मुझे। ये तो संभव ही नहीं है, अभी तो बस एक ही नाम से पुकार रही होंगी वो सब तुम्हें, माखन चोर। देखो तो चिची कैसे निश्चल और निर्दोष लग रहे हैं दोनों, ऐसे जैसे स्वयं नारायण का स्वरूप हो। हाँ
अरे यशोदा, क्या हो गया तुम्हें अचानक? चिची, इतने निर्दोष से फूल जैसे बालकों पर कैसे लांछन लगा रही है सबकी सब? इनका हृदय ना कांपता? नारायण का भी बहना है इन्हें। अच्छा बस शांत हो जा, तुम्हें तो पता है ना उनका सामना कैसे करना है। बस अब रो मत। मैं ना रो रही जिजी? मैं क्यों रोने लगी भला? रोए वो जो मेरे लल्ला पर झूठा आरोप लगा रही है। कान्हा, बलराम, उठ जाओ दोनों, उठ जाओ। चलो दूध पी के शक्तिशाली हो जाओ दोनों। लो पल में अग्नि की तपिश, पल में जल की शीतलता, ऐसे अनोखे स्वभाव की है ये यशोदा। गोपियां इससे टकरा कर भूल कर रही है। हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। कहां खोई हो तुम सब? उसके भोलेपन में, उसकी मनमोहक मुस्कान में, उसकी सम्मोहक गहरी आंखों में, उसकी मीठी बातों में। होगा कोई तो गोपियां है भैया, लगता है अब मुझे उन्हें जगाना पड़ेगा। तुम सब तो उसके बारे में सोच सोच के जाने कहां खो जाती हो और चली हो उस माखन चोर को पकड़ने। पर कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा, कोई ऐसा उपाय जिससे हम उसकी मीठी बातों के जाल में ना फंसे और उसकी मुस्कान से मोहित ना हो जाए। सबसे अधिक संकट तो उसकी आंखों से है। पर ये संभव कैसे होगो? उसे देखते ही हम नारायण नारायण का जाप आरंभ कर देंगे। मन नारायण में रमेंगो तो उसकी माया हमें ठग ना पाएगी। पर अब प्रश्न ये है कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे कैसे? हम सबके यहाँ तो वो माखन चोरी कर चुको है, अब किसके यहाँ जाएगा वो माखन चोरी करने? मेरे यहाँ। दूध तो पूरा समाप्त ना किया तूने लल्ला? गौ माता रुष्ट हो जाएंगी। जे तू कहां देख के मुस्कुरा रहो है लल्ला? हाँ, कभी भूमि पे देख रहे है, कभी द्वार पे देख रहे है। गोपियां इसके विरुद्ध योजना बना रही है ना छोटी माँ, उसी के बारे में सोच रहा होगा। ये क्या किया मैंने? तो तुम दोनों ने हमारी बातें सुन ली? उन गोपियों की चिंता मत ही करो तुम दोनों, उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। ना मैया, हम बड़े भी तो हो रहे हैं, हमारी समस्या हम स्वयं संभाल लेंगे, है ना दाऊ? हाँ छोटी माँ, हम दोनों इतने बड़े तो हो भी गए कि अपनी समस्या स्वयं सुलझा सके। आप दोनों हंस क्यों रहे हो? हंसने की बात नहीं है, हम सच्ची में बड़े हो गए। हाँ, बड़े तो तुम हो ही गए हो। जे पकी पकी मूछें जो निकल आई है तुम दोनों की, हीम जैसी श्वेत। तुम दोनों चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, हमारे लिए हमारे लल्ला ही रहोगे,
समझ आई? तुम तो जशोदा जी की पक्की सखी हो, फिर तुम हमारी सहायता क्यों करोगी? क्योंकि मुझे पता है कि कान्हा निर्दोष ना है। मैंने स्वयं देखा है उसे कस्तूरी के घर से माखन लेके जाते हैं। सुन लियो भाभी, और अब मुझे झूठा बोल रही थी? जे आपस में झगड़ने का समय ना है लाली, उसके विरुद्ध इकट्ठा होने का है। पर अगली चोरी प्रभावती की यहाँ होगी, जे पक्का कैसे करे? एक उपाय है, उससे कान्हा प्रभावती चाची के घर पक्का आ जावेगो। सच्ची? मेरे कहने का अर्थ है कि वो आएगो? ये तुझे कैसे पता? हाँ ऐसे पता है, ये मत ही पूछो। पर आपको उसे लुभाना होगा, किसी तरह उसे पता चलना चाहिए कि आप कौन से समय घर पे ना रहोगी, और जे भी कि वहाँ बहुत सारा माखन रखो है। बस फिर अपने आप जाल में फंस जावेगो। हे नारायण, कस्तूरी का उपाय सफल कर देना। मैं भी वही अनुभव करना चाहती हूँ जो इन सब ने अनुभव किया है। बस तो फिर तू उसे अपने घर बुलाने की तैयारी कर प्रभावती, और हम सब लोग वहाँ चुप कर बैठ जाएंगे। फिर जैसे ही वो वहाँ आएगो, हम सब उसे चारों ओर से घेर लेंगे और रंगे हाथों पकड़कर जशोदा जी के घर लेकर जाएंगे उसे। आपके लल्ला ने मेरा माखन चुराया है, पूरा पारंगत है चोरी में। और जे माखन तो ऐसे चुराता है जैसे माखन चुराना कोई कला हो कला। अब तो मुझे भी विश्वास हो गया जशोदा, तेरा लल्ला ही आया था मेरे घर माखन चुराने। संसार के कपट से अनभिज्ञ है मेरा लल्ला, भोला भाला है, ऐसे निर्दोष पर आरोप लगाते, इन्हें तनिक भी लज्जा ना आती? भैया मैं सहायता करूं? अच्छा पहले जे रख के आ जाओ उधर, जा ध्यान से। दाऊ कहाँ जा रहे हो आप? देखो मुझे माखन निकालना भी आता है, आओ आपको भी सिखाता हूँ। जीजी, चाची, कान्हा थक जाऊंगी मैं। कान्हा बस कर, थक जाएगो। बहुत प्रेम है इसे तुझसे। मुझसे प्रेम होतो तो अब तक मेरे घर भी माखन खाने आगो होतो। जीजी की सखियों में बस एक मेरे यहाँ ही नायो है। आज भी ना लाई आप? क्या कान्हा? अपना गुड़ वाला मीठा दही। मैं आपसे बात ही ना करूंगो, आपको पता है मुझे बात प्रिय है, तो बिना लाती आप? क्षमा कर दे कान्हा, क्रोध मत कर कान्हा, तू मेरे यहाँ आ जाइयो, मैं बना के रखूंगी गुड़ वाला मीठा सा दही। पक्की बात। दाऊ सुना आपने, प्रभावती चाची अपने घर बुला रही है मीठा दही खाने। अच्छा जी, जब मैया गुड़ वाला दही खिलाती है तो नखरे दिखाते हैं। अब चाची के यहाँ जाके खाने को तैयार हैं? जैसा कस्तूरी ने समझाया था वैसे ही करके देखती हूँ, क्या पता जे आ ही जाए। सच्ची प्रभावती, एक तू ही है जो मेरे लल्ला से सच्चा स्नेह करती है, ना जाने इन सारी गोपियों को क्या होगा। वह कहती है मेरा लल्ला इनके यहाँ जाके माखन चुराता है। हे नारायण, इतने से कान्हा पे
इतना बड़ा आरोप? क्या आप भी नहीं कर रही हो चाची? वाह! पर ऐसे कैसे बोल सकती हैं जेसब? वो ही तो। कान्हा को पता है कि मेरा घर सबसे निकट है। कान्हा को तो ये भी पता है कि अगर मैं सवेरे हाट के लिए निकलती हूँ तो दोपहर तक घर ना लौट पाती हूँ। ये तो कस्तूरी की तरह व्यवहार कर रही है। कान्हा को तो ये भी पता है जीजी कि मेरे घर पर ऊपर टंगी माखन की मटकी को उतारने के लिए पट्टा भी खंबे के पीछे ही है। कितनी बार तो मेरे घर आया है जी? क्यों कान्हा? इसे तो अच्छी तरह पता हुआ है कि मेरे घर से किसी को भागना हो तो ढेरों सारे द्वार धरोखे हैं, कहीं से भी भाग सकते है चोर। पर तू ये सब क्यों बता रही है? वही तो जीजी, यदि इसे चोरी करनी होती तो सबसे पहले मेरे घर आतो। अब ये ही बात इन सब गोपियों को कौन समझाए? आप चिंता मत करो जीजी, कल सुबह जब मैं हाट जाऊंगी तो वहाँ सबको पकड़ कर बहुत अच्छे से समझा दूंगी। भले ही पूरी दोपहरी मुझे वहाँ क्यों ना बितानी पड़े। जीजी हाट से कुछ चाहिए तो ना? ना ना, मुझे कछु ना चाहिए। ठीक है जीजी, चलती हूँ। सवेरे माखन निकाल कर सीधा हाट को ही जाऊंगी, घर पे कोई ना होगो। नारायण नारायण जीजी। ठीक है खाना। आज कछु विचित्र बातें ना कर रही जी। सारी गोपियों को ना जाने क्या होगा, है सब मिलके मुझे बावली बना देंगे। मटका कहाँ रखो? गाना सुना? हाँ दाऊ, सुबह चाची हाट जा रही है माखन निकालने के बाद। अवश्य ही तुम्हें लुभाने के लिए कस्तूरी ने समझा बुझा के भेजा है उन्हें। तब तो प्रभावती चाची का घर का माखन चखना ही पड़ेगा कल। जिसे तुम अवसर समझ रहे हो वो जाल है काना, सब पूरी तैयारी से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो हम भी पूरी तैयारी के साथ ही जाएंगे दाऊ। गुड़ वाला दही दिखा तो एक चम्मच, जरा चक्के बताओ सही है कि ना? ना ना, जे तुम सबके लिए ना है। तो किसके लिए है? जे तो मैंने कान्हा। हाँ? मेरे कहने का अर्थ है कि कान्हा को फंसाने के लिए बनाओ है, बहुत प्रिय है ना उसे, तो हो सकता है कि हमारे लोभ के जाल में वो फंस जाए। यदि जय दही ही ना खा पायो तो उसके आने का लाभ ही क्या, इसलिए तो बहुत प्रेम से बनायो है मैंने उसके लिए। इसलिए तो बहुत प्रेम से बनायो है मैंने उसके लिए। अभी भी समय है, मेरी बात मान लो काना। सबसे पहले बाहर वाले कच के सारे झरोके बंद कर दो। ठहरो प्रभावती, सारे दीप मत जलाओ। कम प्रकाश में छिपना और उसकी प्रतीक्षा करना सरल होगो। वहाँ सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसीलिए हमें भी ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि कोई हमें पकड़ ना पाए। कान्हा को पकड़ना है तो सबको सतर्क रहना पड़ेगो। एक ही झरोके से सबका बाहर निकलना असंभव है। सब अलग अलग कक्षों में जाकर वहाँ के झरोके से भागेंगे। वो किसी भी द्वार किसी भी झरोके से भाग सकते है, इसलिए जहाँ से भी आने जाने की संभावना है हर उस स्थान पर हम में से कोई ना कोई पहरा देगो। मधु तुम बड़े कक्ष के झरोके से बाहर निकलना उचित है। जानकी कस्तूरी तुम दोनों ये रस्सी लेके बड़े कक्ष के द्वार पे दृष्टि रखना। उज्जवल तुम पूजा वाले कक्ष के बड़े झरोके से बाहर निकलना। सुमति मौसी आप दोनों पूजा कक्ष के बाहर पहरा देना। ताऊ आप रसोई घर के झरोके से बाहर निकल जाना। और रसोई घर का दायित्व मैं तुम्हें देती हूँ सावित्री। काना मैं तू सबसे सरल मार्ग से
पार जाएगा वो संता मुख्य द्वार से। और मुख्य द्वार संभालूंगी मैं। हर बार काना वहीं से जातो है ना? मुख्य द्वार से? नाना मैं कैसे? चिंता मत कर वसंता, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। इस बार उसके बचने की हर संभावना समाप्त। सुलक्षणा, अब मैं क्या करूं? और सीधा माँ, ये कैसे भागी का काना? अपने घर में भागने की क्या हो सकता है दाऊ? वही कहीं छुप जाएगा ये। तुम माखन की मटकियों के पास छुप कर बैठ जाना, ताकि जब कान्हा माखन चोरी करने आए तो तुम उसे रंगे हाथों पकड़ सको। वाह, क्या योजना बनाई है। क्या योजना बनाई है। पर कोई तो समस्या तो ना होगी ना कान्हा? ना, हम सभी सतर्क रहेंगे। हम सभी को सतर्क रहना होगा। प्रभावती, तुम्हारे पास घंटिया होगी ना? हाँ। जा लेकर आ। अभी लाए। दे रही घंटिया, इसे माखन की मटकी से बांध दो, ताकि जब वो मटकी को हाथ लगाए तो जब बच जाए और हमें उसकी सूचना मिल जाए। घंटिया बजते ही सब नारायण नारायण का जाप आरंभ कर देना, ताकि हम उसके माया जाल में फंस ना पाए। नारायण नारायण नारायण। क्यों भयभीत हो रही हो तुम? अन्य गोपियों के साथ साथ वह मैया भी तो होगी। मैं पकड़ा गया तो किसी को ना पकड़ पाएंगी वो। मैं हूँ ना। वैसे हर बार पकड़ में आकर भी तू बच कैसे जाते हो? हाँ, ऐसा कैसे कर लेते हो तुम कि सारी गोपियाँ तुझे देखती रह जाती है और तू आनंद से बाहर आ जाता है। अब क्या उत्तर दूं इन्हें? कोई तो रहस्य काना, सच्ची सच्ची बता। रहस्य तो है ये मोर मुकुट, इसी का चमत्कार है कि सब इस प्यारे से मोर पंख को देखती रह जाती है और मैं बच के निकल आती हूँ। फिर मैं भी मोर पंख पहन के गाऊंगा। क्या सुझाव दियो है वसंता? आज हम सब मोर पंख पहन के ही जाएंगे। अपने अपने स्थान पे जाओ और छुप जाओ। कब आएगो कान्हा? देखो सब जन, लग रहा हूँ ना मैं बिल्कुल कान्हा? कान्हा, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा हूँ ना? और हम सब भी। ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा है ये नखट बड़ा चिचोर। तूने सही कही थी कान्हा, लगता है सब प्रतीक्षा करके अपने अपने घर चली गई। पर इतना अंधकार क्यों है? पता ना
वो मैया वैसे तो इतना अंधकार न रखती। कान्हा अभी भी समय है, लौट चलो। पूछना आपको दाऊ, बस आप दूध दही माखन ढूंढो। वो रहो, पहले खा पी लेते, थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी, फिर माखन का भोग लगाएंगे। ढूंढ रहे हो उज्जवल? स्मरण है ना क्या निश्चित किया था हमने? भागना पड़े सब वैसे ही भागना। लो इसको खा के देखो, इसमें दही और गुड़ तो है ही, साथ में ढेर सारा फेम भी छुपा है। स्वयं हाथों से अपने ये बाटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आज तो आनंद यागो कान्हा, माखन के साथ साथ मिठाई भी मिल गई। तुझे कैसे पता चला कि मैं गुड़ वाला दे बना के रखेंगी? लंबी कथा है, बाद में जानना, पहले ये सब समाप्त करो ताकि हम शीघ्र लौट पाए। पर माखन खाए बिना कैसे जा सकते हैं बलराम? मेरे घर पर ऊपर टंगी माखन की मटकी को उतारने के लिए पट्टा भी खंबे के पीछे ही है। आज पर्वत बनाने की आवश्यकता नहीं है। घंटियां, कहा था ना ये जाला है, चलो यहाँ से। चिंता मत करो दाऊ, ये नहीं बजेगी। सुनो घंटियां, बजना मत, मुझे शांति से मटकी उतारने देना। जो आज्ञा प्रभु। काना संभाल के, धावा बोले। इसमें माखन है भी, इतने अंधकार में कुछ पता ही ना चलेगो। एक जोर का खोल देता हूँ। वैसे तो मैं किसी से भयभीत ना हो तो,
पर जो स्थिति ऐसी है, चल खाना शीघ्र भाग चले। अब तो भीतर आ ही गए हैं, मटकी नीचे उतार ही लिए, तो माखन खा के ही जाते है ना। वैसे ये सब सो रही है ना। भैपे धोए बिना माखन का आनंद लो। मोर पंख है ना, पूछना होगा तुम्हें। किया था ना, फिर क्यों अजी? क्षमा कीजिएगा प्रभु, आपको भोग लगता है तो हम हमेशा बचती हैं, स्वभाव से विवश हैं, इसलिए बच गई। अब क्या करे कान्हा? अपनी मनमोहक आंखों का प्रयोग कर रहे हो। काना बुरा फंस गो। काना के मोर पंख ने हमारा साथ तो दियो, पर उसका साथ छोड़ दियो आज। आज तो तू पकड़ में आ गयो कान्हा। आपने जो खुद का दही बनाया था ना चाची, बहुत ही स्वादिष्ट था वो। सच्ची? संभाल के प्रभावती, इसके झांसे में मत फंसना। हाँ। हरायन 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 For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.